तो ये मैंने अपना खाने का पिटारा खोल दिया है। माहौल देख सकते हैं बेलगावी स्टेशन में, भाई इधर जमा है एकदम। हाल है आप लोग का, स्वागत है एक और ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आया एक और नया ब्लॉग, एक और नया ब्लॉग बोलने से बढ़िया मैं बोलता हूँ एक और वंदे भारत इनॉग्रेशन का ब्लॉग लेके आ गया हूँ। फिलहाल आप इधर देख सकते हैं मैं हूँ पुणे स्टेशन पे। तो इस बार हमारा वंदे भारत इनॉग्रेट होने वाला है पुणे स्टेशन से। आप थंबनेल में देख चुके हैं कहाँ से कहाँ तक, पुणे से हुबली तक इनॉग्रेट होने वाला है, उसका इन्फॉर्मेशन और आगे आपको देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अपन वंदे भारत के पास। एक्चुअली ये सब थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है एंट्री के पास, वो सब आपको दिखा के चलते हैं। प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। एक्चुअली जो मेन एंट्रेंस था उधर से एंट्री नहीं दिए, उधर कोई चीफ गेस्ट आने वाले हैं तो वहाँ से एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। एक और बगल में गेट था तो वहाँ पर गए हम लोग, तो वहाँ पर पास चेक किए, यहाँ पर पास चेक के प्लेटफॉर्म पे एंट्री दिए हैं, तो ये एक बढ़िया बात था। तो अभी आप देखने जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखता है, अभी आगे चलेंगे लेकिन दूर से कुछ ऐसा अपना प्लेटफॉर्म दिखता है। तो यही अपना मेन एंट्रेंस था, तो यहाँ से फिलहाल बंद किए हैं, चीफ गेस्ट यहाँ से आने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा डेकोरेशन किए हैं, और अभी आगे चलते हैं। पहले इधर एक पास दिखाना है चेकिंग के लिए फिर से, तो पास दिखा के फिर आगे बढ़ते हैं। चेकिंग इधर तगड़ा है भाई, मराठी में लिखे हैं, मेरे को पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही करूँगा कि नहीं। पुणे हुबली दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन छा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभास्त्य हरव झंडा दाखवून शुभारंभ। अगर मैं गलत प्रोनाउंस किया हूँ तो मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, जितना हो सके मैंने अपने तरफ से ट्राई किया है। अगर आपको ये पूरा मालूम चल रहा है क्या है तो इसको प्लीज़ इंग्लिश में कमेंट कर दीजिएगा या फिर हिंदी में कमेंट कर दीजिएगा। ये हिंदी में ही लिखा है, थोड़ा मेरे को प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो रहा है, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। वहाँ देख सकते हैं अपने वंदे भारत फिलहाल प्लेटफॉर्म पे एंट्री लेते हुए। मैंने बोला था ना डेकोरेशन है, तो डेकोरेशन किए हैं, सुबह नहीं था एक्चुअली ये, तो आप एंट्री का मज़ा लीजिए। देख सकते हैं अपनी वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके लग चुकी है। इनॉग्रेशन टाइम इसका 3:30 बजे है, देखते हैं टाइम से इनॉग्रेट होता है कि नहीं, क्योंकि कोई भी वंदे भारत टाइम से इनॉग्रेट हुआ नहीं था। और डेकोरेशन सिर्फ जो आगे का कोच है ना उसी में बस डेकोरेट किए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं पीछे चेक करने के लिए कि पीछे कुछ डेकोरेट किए हैं कि नहीं। फिलहाल पीछे आके वंदे भारत को डेकोरेट कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम है इनॉग्रेशन के लिए, तो सही है डेकोरेट कर रहे हैं, अच्छा दिखता है भाई। डेकोरेशन हो जाए देते हैं फिर बात करते हैं, और स्टॉप्स कौन कौन सा फिलहाल इनॉग्रल रहने वाला है वो भी बताने वाला हूँ। कमर्शियल तो आपको आगे बताने ही वाला हूँ, और इनॉग्रल तो सब स्टॉप आपको दिखाने वाला हूँ भाई। मैंने देखा अभी सजा रहे वंदे भारत को पीछे से, तो अभी ये काम करते अपन जाके देख के आते हैं कि आगे क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या माहौल है, फिर उसके बाद फिर से आके बैक साइड आके आपको दिखाते हैं कि कैसे सजाए हैं संवारे हैं अपनी नए वंदे भारत को। तो ये आप रश देख सकते हैं इनॉग्रेशन के लिए कितना हो गया अभी, एकदम आगे आके बैठ चुके हैं। देखते हैं मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं हरी झंडी दिखाने के लिए। अपने प्रधानमंत्री तो वीडियो के द्वारा हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर कौन रहेंगे वो देखना ज़रूरी है। मैंने बोला था ना इनॉग्रेशन के लिए अभी भी समय है, तो आप देख सकते हैं पूरा सजा दिए, पूरा बलून लगा दिए, और सब ट्रेन ले पूरा ट्रेन को बलून के साथ दौड़ा दिए हैं। मैं जूम करता हूँ, ये देखिए पूरा ट्रेन दौड़ा दिए हैं, बलून लगा दिए हर एक विंडो पे। फिलहाल अपने को एंट्री मिल चुका है, चलिए देखते हैं अपने नए नवेली वंदे भारत का इंटीरियर्स कैसे रहने वाला है। तो कुछ आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंसर सब आ गए हैं, तो सेम भाई जैसे दूसरे वंदे भारत का इंटीरियर है सेम रहने वाला है। 3:2 कॉन्फ़िगरेशन, लगेज स्पेस आपको उधर मिल जाएगा, फिर आपको इधर टच लाइट, टच वाला रीडिंग लाइट मिल जाएगा, फिर सेम नंबरिंग मिल जाएगा आपको, और ये आपको बड़ा विंडो ये आप देख सकते हैं, इसको उठा भी सकते हैं आराम से, और ये आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, एडजस्टेबल रहेगा लेकिन थोड़ा नए नवेली एकदम, एक्चुअली ना स्मेल एकदम नए नवेली वंदे भारत जैसे एकदम नया रैक है ना वैसा लग रहा है। तो इधर 2 का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इधर आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, फिर ये आपका ट्रे टेबल, सब कड़क है भाई, सब कड़क है, टाइट है सब। तो ये लॉक, ये आपका फुट रेस्ट एडजस्टेबल है, हाँ फुट रेस्ट एडजस्टेबल है। फिर चार्जर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए
तो सेम टाइप सी, टाइप ए और सॉकेट वाला चार्जर है, और आप रिक्लाइन कर सकते हैं इस सीट को, कंफर्टेबली जा सकते हैं। रिक्लाइन का बटन कट है भाई, देखने दीजिए मुझे। अच्छा इधर है, इधर दबाएंगे तो आपका सीट रिक्लाइन होगा ये वाला, और उस तरफ दबाएंगे तो ये वाला। इधर आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, डिस्प्ले के बारे में आपको थोड़ा आगे बोलता हूँ। हमारी ट्रेन अभी डिपार्चर हुआ नहीं है, जैसे इनॉग्रेट हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले अपना पानी आ गया, तो पानी लेते हैं और थोड़ा प्यास बुझाते हैं। ये हमारी ट्रेन इनॉग्रेट हो गई है पुणे से हुबली के लिए। धीरे धीरे अपनी वंदे भारत निकल रही है, तो चलिए कुशनिंग कंफर्ट के बारे में बोलते हैं। तो कुशन थोड़ा हार्ड मटेरियल है, चल जाएगा बट थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जाएंगे अपन एग्जीक्यूटिव में, उसका भी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। अब देखते हैं सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। पानी तो इनॉग्रेशन से पहले दे दिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था भाई, 3:30 बजे इनॉग्रेशन समय था, लेकिन अपन 4:20-4:25 को निकले हैं। अपने को 3:30 बजे बोले, लेकिन सीआर को बोले थे 4:15 को इनॉग्रेट होगा, लेकिन कोई भी इनॉग्रेशन समय से होता नहीं है। अभी वेट करते हैं अपन सर्विस का, लेकिन उससे पहले स्पेशल नंबर जो इनॉग्रेशन है 02003 आके स्पेशल नंबर है इनॉग्रेशन की। आउटर में हम लोग आए हैं, सब लोग वीडियो बना रहे हैं, ये एकदम देखने में मज़ा आता है भाई। आउटर में हम पुणे के, अभी देखिए कहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहे हैं, पिट लाइन पर बैठ के वीडियो बना रहे हैं, और वो बंदा भाई 360 कैमरा लिया है, वाइट शर्ट वाला 360 कैमरा लिया है, और ये देखिए इधर भी वीडियो बना रहे हैं। जैसे इनॉग्रेट हुआ अपना, और थोड़ा आगे हम लोग आउटर में आए, तो अपने को आ गया स्नैक बॉक्स। तो देखते हैं अभी पिटारा खोलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है इसमें। ये हमने अपना स्नैक्स का पिटारा फिलहाल खोल लिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं अपने को एक जूस का बॉटल दिए हैं, पेपर बोर्ड का स्विंग कुछ है, यम्मी गुआवा फ्लेवर है, फिर अपने को चिवड़ा दिए इधर नमकीन में चिवड़ा, फिर ये लॉटी चकोपाई हो गया, फिर ये समोसा हो गया, फिर ये क्या, अच्छा ड्राई गुलाब जामुन हो गया, फिर अपने को कचौड़ी हो गया, ये सास सास सॉस, ये टमाटो सॉस, ठीक है, मीठी चटनी है गैस, हाँ ये मीठी चटनी है, और टिश्यू तो रहना ज़रूरी है भाई, तो करते हैं टेस्ट। अच्छा एक और है, ये देखिए मिर्चा है भाई, भूजा हुआ फ्राई किया हुआ मर्चा है इसमें, तो टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट आपको आगे बताते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ इस ट्रेन के इन्फॉर्मेशन के बारे में। अभी बोलने जाए तो ये ऑरेंज वंदे भारत है, आप जान गए होंगे, अभी ज़्यादातर सब ऑरेंज वंदे भारत ही आ रहा है, और बोलने जाओ तो ये मिनी वंदे भारत है, 8 कार वंदे भारत है, तो इसमें 7 आपको एक नॉर्मल चेयर कार मिलेगा, और उसके बाद आपको एक एग्जीक्यूटिव मिलेगा, और फिर उसके बाद बात करने जाए तो 2024 की रैक है वो दिए हैं, और इसका मंथ बोलने जाए तो देखिए जुलाई 2024, और बोले जाओ तो जो 7 आके क्या बोलते हैं यार नॉर्मल चेयर कार है, तो उसमें से C1 C7 आके गार्ड कैबिन और इंजन कैबिन के साथ अटैच रहता है, तो उसमें 44 सीट्स रहेगा, फिर एग्जीक्यूटिव में 52 रहेगा, और C2 C3 C4 C5 C6 में आपका रहेगा 78 सीट्स। ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, अभी टाइमिंग प्राइस वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ आगे। ये आके इनॉग्रल जर्नी है, तो इसका टाइम डिफरेंट रहेगा, लेकिन ऑफिशियल कमर्शियल टाइमिंग सब क्या है, प्राइस क्या है, वो आपको ज़रूर हम बताएंगे। देख सकते हैं व्यूज़ कुछ डोर के पास आज खड़ा हो गया हूँ, टनल आने वाला है, तो आपको टनल दिखाना ज़रूरी है भाई, आप आगे देख सकते हैं टनल वो आने वाला है, उसी में अपन घुसने वाले हैं।
आपने देखा टनल में अपन घुसे, तो ये सेक्शन ना बहुत खूबसूरत रह रहा है। एक्चुअली मैं कैमरा में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कितना खूबसूरत ये लाइन है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आप एकदम प्यार में पड़ जाएंगे इस सेक्शन में। ये जो पहाड़ आ रहे हैं, फिर उसके बाद हिल डाउन व्यूज आ रहा है ना, बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल भाई, सच में बोल रहा हूँ। एक्चुअली अगर बोलने जाऊँ, मैंने जितना भी वंदे भारत किया है, इससे खूबसूरत वाला रूट तो नहीं किया है। मदुरै वाला था, बट वो सेकेंड में अभी हो गया, ये पहले पोजिशन पर हो गया है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, इसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अगला स्टेशन कौन सा है, बाद में टाइम डेट, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। इसमें आपको तीन लैंग्वेज में आएगा भाषा, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक आपको कन्नड़ा में आएगा। स्पीड भी आप देख सकते हैं। और ये आके मेरे लिए तो ये आके पहली इनॉग्रल वंदे भारत है जिसमें इनॉग्रल टाइमिंग दिए हैं भाई, वरना हर वंदे भारत में ऑफिशियल जो कमर्शियल टाइमिंग रहता है वो देते थे। एक कर्व देखिए क्या खूबसूरत है अपने वंदे भारत का, और नज़ारे उससे भी खूबसूरत भाई। लोगों की जिंदगी बड़ी सुकून वाली हो गई यहाँ पे। अभी अपनी ट्रेन फिलहाल सतारा पहुंच चुकी है, चलिए अभी उतरेंगे सतारा में और आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। गेट से हम फिलहाल ऊपर आ गए, अभी बात थोड़ा और आगे करते हैं आपसे। ये आपने देखा सतारा के पास कैसे वेलकम किए अपने इस हुबली पुणे या पुणे हुबली वंदे भारत को, एकदम गजब स्वागत था। क्या डांस कर रहे थे, क्या ढोल बजा रहे थे। और मैं डिपार्चर कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि रात हो गया है, ऑलमोस्ट शाम हो गया, रात या बोल सकते हैं, वो ग्लास का रिफ्लेक्शन आने लग रहा है, इसलिए डिपार्चर तो कैप्चर नहीं हो पाएगा। अभी आगे देखते हैं, अभी इसके बाद तो मिराज स्टॉप है इधर। एक्चुअली ना मिराज स्टॉप था नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत लोग डीबोर्ड करने वाले थे, तो सॉरी सतारा में स्टॉप नहीं था, क्योंकि बहुत लोग डीबोर्ड करने वाले थे करके सतारा में स्टॉप दिया है। पहले ही वो लाइक मेंशन कर दिए होते तो कुछ टेंशन ही नहीं रहता उन लोगों को, क्योंकि सब लोग को टेंशन हो गया था सतारा में स्टॉप रहेगा कि नहीं, लेकिन माहौल एकदम गजब था। अभी देखते हैं इसके आगे कैसे रहने वाला है, जो इसके बाद आने वाला है मिराज। ऑलमोस्ट किलोमीटर्स कितना है भाई, 137 किलोमीटर्स, देखते हैं कैसा रहने वाला है। जो जिस डेट हुबली पुणे, पुणे हुबली वंदे भारत इनॉग्रेट हुआ ना, इस दिन 6 वंदे भारत इनॉग्रेट हुआ है, उसमें से एक आगे कोल्हापुर और पुणे वंदे भारत है, उसका अभी क्रॉसिंग होने वाला है। देखते हैं अपन कितना कैप्चर कर पाते हैं और आपको कितना दिखा पाते हैं। एकदम फ़ोन के कैमरा को चिपका दिया हूँ मैं एकदम ग्लास पे, ताकि क्रॉसिंग आपको दिखा सकूं। अभी किसी भी सेकेंड वंदे भारत आ सकता है। आपने क्रॉसिंग देखा, आई होप थोड़ा बहुत तो दिखा होगा, क्योंकि जो ना स्टार्टिंग में थोड़ा गैप था ट्रैक के बीच में, अप एंड डाउन लाइन के बीच में गैप था, हमारा भी इधर से निकल गया और उधर से वो भी आ गया हॉर्न मारते हुए, तो उधर क्या हुआ ट्रैक दोनों आपस में आ गया, तो उसकी वजह से ज़्यादा उतना दिखा नहीं। अभी सतारा क्रॉस होने के बाद और अपना वंदे भारत क्रॉस होने के बाद अपना चाय कॉफ़ी शुरू हो गया है, अपना कॉफ़ी टी आ गया है, तो अपन ने कॉफ़ी लिया क्योंकि अपने को कॉफ़ी पसंद है, चाय नहीं पसंद है। गाली मत दीजिएगा कमेंट में कि चाय क्यों नहीं पीते हो, कॉफ़ी पसंद है इसलिए अपन कॉफ़ी लेते हैं। और पानी कितना लेना चाहिए मैं वो आपको बताऊँगा, पहले पानी आने दीजिए गर्म वाला। तो मैंने पूरा कप भर के पानी नहीं लिया है, तो आधा या आधा थोड़ा ज़्यादा, आधा ही लिया हूँ क्योंकि थोड़ा अपना फूड ट्रे बेंड है इसलिए आधा ज़्यादा दिख रहा है। तो कभी भी लीजिएगा आधा ही पानी लीजिएगा, तभी आपको प्रीमिक्स का स्वाद आएगा। ये अपना कॉफ़ी रेडी है, तो कॉफ़ी मैंने ऑलरेडी पी लिया है, टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्या बोलते हैं मैंने आधा कप लिया, अगर पूरा कप लेंगे ना पानी पानी लगेगा। प्रीमिक्स का है लेकिन टेस्ट ठीक है, लेकिन ओरिजिनल वाला टेस्ट कॉफ़ी का नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। कृपया लक्ष्य शून्य
ट्रेन फिलहाल पहुंच चुकी है मिराज। फंक्शन है गाइस उस तरफ है, फंक्शन उस तरफ है क्या? लेकिन यहाँ पर कुछ मेरे को तैयारी दिख नहीं रहा है। इस तरफ जिस तरफ हमारी ट्रेन आई है, बैक साइड भी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है गाइस। देखता हूँ मैं उस तरफ जाके थोड़ा। इधर फंक्शन की तैयारी कुछ नहीं दिखी है, बस स्लोगन्स लगा रहे थे। आई गेस बंद है भाई, हो गया, अब निकलने वाले हैं। बोला भारत माता की। हमारी ट्रेन फिलहाल मिराज स्टेशन से डिपार्ट कर चुका है। मिराज में मैं आपको एकदम पहले सी लाइक जो स्टार्टिंग कोच रहता है ना, जो इसमें स्टार्टिंग कोच आगे C7 है, तो उसके बाद अपना C6 है। तो एकदम पहले गया, मैं सोचा एकदम पूरा माहौल एकदम जम के रहेगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट था, नहीं कुछ भी था। आई गेस जो कोल्हापुर से पुणे गया ना, उसमें ये लोग सही से किए हैं, पूरा एकदम इनॉग्रेशन किए थे। हमारे जब तक आया तब तक हट गया होगा। क्यों तो ये जो इनॉग्रेशन जर्नी है ना अपना, यहाँ पर मिराज पे आने का 7:15 का टाइम था। अपन आए 8:30 पे, 1:15 डिले के साथ। तो देखते हैं अभी पुणे जो टाइम, पुणे बोल रहा हूँ, हुबली पे जो पहुँचने का टाइम है वो सही से रहने वाला है कि नहीं करके। जैसे ही मिराज स्टेशन क्रॉस हुआ, अपना डिनर सर्विंग शुरू हो गया है। डिनर आने देते हैं अपने सीट पे, फिर आपको बताते हैं भाई क्या खूबसूरत, क्या सूरत है एक्चुअली, क्या उसका सूरत है और क्या टेस्ट है डिनर का। कुछ ऐसा दिखता है अपना प्लेट, आप देख सकते हैं, अभी प्लेट खोला नहीं हूँ। यहाँ पर आप वंदे भारत का ब्रांडिंग, वंदे भारत एक्सप्रेस का ब्रांडिंग देख सकते हैं, फिर ऐसा कुछ सजा हुआ देख सकते हैं आप। और ये अपना रोटी या परोठा होगा, ये तो दाल क्लियरली दिख रहा है। और ये अपने को दही दिए, दही है, फिर चमचा है। एक काम करता हूँ मैं, पहले खोल देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ और क्लियर से। तो ये मैंने अपना खाने का पिटारा खोल दिया है, तो इसमें आपको गुलाब जामुन मिलेगा, फिर ये सूखा सब्जी मिलेगा, फिर एक गुलखंड मिलेगा आपको, मीठा मसाला, हाँ माउथ फ्रेशनर वही समझ लीजिए, फिर दाल मिलेगा, सैलेड मिलेगा, पनीर का सब्जी, फिर चावल, पिकल और रोटी, और इधर आपका दही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको इसका रिव्यू बेलगावी में देते हैं। आपको खाना आप कमर्शियल में एक्सपेक्ट मत करिएगा, ये खाना सिर्फ इनॉग्रल खाना है। मैं 100% बोलता हूँ ऐसा खाना नहीं रहता है कमर्शियल में, क्योंकि मैंने भी कमर्शियल बहुत किया है। तो अपन जैसे मैंने बोला टेस्ट करते हैं, फिर आगे आपको रिव्यू देते हैं ना। माहौल देख सकते हैं बेलगावी स्टेशन में, भाई इधर जमा है एकदम, लाजवाब कार्यक्रम है यहाँ पर। ट्रेन जैसे मैंने बोला बेलगावी में रुका था, क्या माहौल था भाई, लाजवाब एकदम, ऐसे आके माहौल रहता है। और यहाँ पर पहली बार वंदे भारत आई है, तो इसलिए माहौल कुछ ज़्यादा ही था और कुछ ज़्यादा एकदम सुकून वाला माहौल मिल गया मेरे को, एकदम गजब भाई, सच बोल रहा हूँ, एकदम बढ़िया था। बेलगावी में ना पहली बार वंदे भारत, जो पुणे हुबली के वंदे भारत है ना, पहली बार आई थी। आई गेस एक गांव वाले उतने खुश थे ना कि उनके गांव में पहली बार वंदे भारत आई है, तो उसकी वजह से नेक्स्ट लेवल माहौल था, नेक्स्ट लेवल एकदम गजब भाई, सच बोल रहा हूँ। चलिए अब फूड के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। फूड भाई सच बोल रहा हूँ, दिखने में जितना खूबसूरत था ना, बोलते हैं ना हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ अच्छा नहीं रहता है। मेरा पेट थोड़ा ख़राब हो गया खाने के बाद, और थोड़ा मसाला ज़्यादा था पनीर में, और बोले वो चावल ना दो बाइट में ख़त्म हो गया। वो मैं स्पून से खाया वो दूसरी बात है, लेकिन जब से खाया हूँ थोड़ा पेट गड़बड़ा गया है, तो उतना खास था नहीं। 10 में आई वुड रेट ये जो फूड खाया मैंने 3 ही दूंगा, वो भी 3 क्यों, खूबसूरती की वजह से, जैसे खूबसूरत दिख रहा था बस उसकी वजह से, टेस्ट में तो नहीं भाई, कुछ भी नहीं। वो पे लोग ऐसा खाना कमर्शियल में ना दे ताकि लोग का पेट गड़बड़ा जाए, ये बुरी बात हुआ भाई। आ गए एग्जीक्यूटिव क्लास में, अभी आपको पूरा फीचर्स दिखाते हैं। मैं बहुत सारे वंदे भारत इनॉग्रेशन में, बाद में उसके बाद कमर्शियल रनिंग में भी कभी कभी दिखाया हूँ, लेकिन फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं क्या इसमें यूनिक कुछ है कि नहीं करके। तो ये आप देख सकते हैं 2:2 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, फिर आप सीट को पूरा घुमा सकते हैं और आपको पूरा विंडो मिलेगा एकदम गजब। और इसमें आपको
ट्रे टेबल इसके बीच में मिलता है और बस इतना ही है। और पुश बैग इधर मिल जाएगा आपको और लगेज रूम ऊपर है। आपको मिलेगा मैगजीन होल्डर, फिर आपको फुटरेस्ट मिल जाएगा, आर्मरेस्ट आपका ऊपर हो जाएगा, फिर रीडिंग लाइट भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, और फिर उतना ही बड़ा ग्लास और इसके लिए विंडो शेड। अब बात करते हैं ट्रेन नंबर, बाद में रूट की, उसके बाद टाइमिंग की और प्राइस की, क्योंकि मैंने कभी से बात ही नहीं किया, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रेन नंबर की बात करें तो ट्रेन नंबर जब हुबली से पुणे जाएगा तो 20669 रहेगा, और जब पुणे से हुबली आएगा तो 20670 रहेगा। आई होप हाँ अब आपको सही से दिख रहा है। तो टाइम आप देख सकते हैं स्टेशन कौन कौन सा है, SSS हुबली, धारवाड़, बेलगावी, मिराज, सांगली, सतारा और पुणे रहेगा। जब SSS हुबली से पुणे जाएगा तो 5 बजे से स्टार्ट होगा, 1:30 बजे जाके पहुँच जाएगा पुणे, और डेट देख लीजिए, बुधवार, शुक्रवार और रविवार बस ये दौड़ेगा जब हुबली से पुणे जाएगा। फिर उसके बाद पुणे से जब हुबली आएगा 2:15 से स्टार्ट होगा, 10:45 को आके रात को हुबली पहुँचेगा। और डेज की बात करूँ तो थर्सडे, सैटरडे और मंडे, तो ये ट्राई वीकली ट्रेन रहने वाला है, डेली ट्रेन नहीं रहने वाला, और बीच का स्टेशन तो सब आप पॉज करके पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद प्राइस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं हुबली से पुणे तक 1530 लगने वाला है, और ये कैटरिंग चार्जेस इंक्लूडेड रहेगा। और फिर उसके बाद बात करें तो वो चेयर कार का रहता है, और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हुबली से पुणे तक 2780 लगने वाला है। अगर आपको पुणे से हुबली तक का प्राइस का पता करना है कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कमेंट में ज़रूर बता देंगे। और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है ना 2780, ये इंक्लूडिंग केटरिंग चार्जेस है, तो आपको केटरिंग का एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है। अगर पढ़ना है तो एक बार आप पूरा ये पॉज करके पढ़ लीजिए। अब सामने देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे इनॉग्रल रन ऑफ वंदे भारत पुणे हुबली, क्योंकि पुणे से स्टार्ट हुआ ना। और ये मैप देखिए, अपना महाराष्ट्र और अपना कर्नाटका दोनों मैप इधर है, और उधर से आप देख सकते हैं पुणे से स्टार्ट हुआ, सतारा, सांगली, मिराज, इस बेलगावी, धारवाड़, एक कमर्शियल स्टॉप इसमें दिया है। एकदम मजे हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं। की फीचर्स आप देख सकते हैं अपना, ये जो है ना ये 8.5 घंटे में आपको पहुंचाएगा, क्या बोलते हैं, हुबली से पुणे और पुणे से हुबली, ऑलरेडी 8 कोच मैंने बोल दिया, और किलोमीटर कवर करेगा 557 किलोमीटर। और कुछ की फीचर्स इधर है, आप चाहिए तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये अपना था पूरा इन्फॉर्मेशन, ट्रेन नंबर, उसके बाद कितने दिन चलता है, ट्यूसडे नहीं चलता है क्योंकि ट्यूसडे इसका मेंटेनेंस रहता है, और फिर आपको मैंने प्राइस भी दिखा दिया जो है हुबली से पुणे तक कैटरिंग चार्जेस के साथ। और उसके बाद अगर आपको पुणे से हुबली जानना है तो कृपया करके कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ज़रूर बता देंगे। और कुछ का डाउट रहेगा कमेंट में कमेंट करिए, पूरा क्लियर करेंगे डाउट आपका। उतरो उतरो। ए हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं धारवाड़, और यहाँ पर भी पूरा चल रहा है कार्यक्रम, लेकिन मैं ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहता हूँ भाई, क्योंकि अगर डोर बंद हो गया ना ख़त्म हो जाऊँगा मैं। धारवाड़ में देखा क्या माहौल था, और धारवाड़ में क्या हुआ ना, 3-4 लोग ट्रेन में रुक गए थे, लाइक फंस गए थे। याद रखिएगा वंदे भारत का ऑटोमेटिक डोज है, अगर आप इसमें आ रहे हैं सेल्फी उल्फी खींचने, फोटो खींचने, तुरंत आगे खींच के निकल जाना चाहिए नीचे, क्योंकि एक बार डोर्स बंद हुआ जल्दी खुलता नहीं है। तो 3-4 लोग थे, वो गए ड्राइवर कैबिन के पास, वहाँ पर रिक्वेस्ट किए तो गाड़ी को रुकाए, फिर उसके बाद वो जाके उतरे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लगभग 12:10 या 15 मिनट हो गया और धारवाड़ में वेलकम, ये भी एकदम सही था भाई। अरे अपना डोर्स बंद, जो लोग चढ़े थे ना उनको उतारने के लिए इधर रुका था अपना वंदे भारत सेकेंड टाइम। ट्रेन फिलहाल वंदे भारत पहुंच चुकी है SSS हुबली,
रेलवे स्टेशन SSS हुबली जंक्शन पे, और आपने देखा एकदम ढोल नगाड़े सब इधर बज रहे थे। आई होप ये जर्नी आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया वो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है, मैं मिलूँगा आपको अगले व्लॉग में। अगर कुछ नहीं पसंद आया, डिसलाइक हुआ तो कमेंट ज़रूर करिएगा क्या नहीं पसंद आया, और कुछ अच्छा लगा तो कमेंट वो भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।